आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था, स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम क्रॉस के सिंबल से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर हम उनके क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो उनके बीच में हम लगा देंगे क्रॉस, और जैसे ही हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा, या फिर हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा। अब यहां पर साइन थीटा क्यों आया है, तो इसको समझने के लिए हम लेते हैं, जैसे हमारे पास ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया हमारे पास बी वेक्टर। मान लिया इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब जो बी वेक्टर होगा उसका एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, बी वेक्टर को हमने कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, क्या हो गया बी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में हमने ले लिया बी साइन थीटा। अब यहां पर डायरेक्शन बताने के लिए सबसे पहले हम इसका रूल देखते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको सॉल्व करने का रूल क्या होता है, कि द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स। इसका मीनिंग है कि जैसे हमने ये बोर्ड लिया, इसकी लेंथ के अक्रॉस हमने मान लिया एक वेक्टर ए, और इसकी ब्रेथ के अक्रॉस एक एंगल बनाता हुआ वेक्टर मान लिया हमने बी। मतलब अब हम 2D की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमने दो वेक्टर लिए 2D के अंदर, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो जब दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास एक वेक्टर आया, मान लो वो वेक्टर है सी वेक्टर, तो जो ये सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी डायरेक्शन दी जाती है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्लेन है। मतलब ये बोर्ड हो गया, लेंथ और ब्रेथ, तो ये प्लेन हो गया, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स या तो इस तरह से जैसे मार्कर हो गया बाहर की तरफ आता हुआ, या फिर इसके अंदर की साइड बोर्ड से नीचे की तरफ निकल गया इस तरह से। तो ये रूल है क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का, कि जो थर्ड वेक्टर आया दो वेक्टर की प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन हम देंगे, कैसे देंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर। दो वेक्टर्स जिस प्लेन के अंदर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो वो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। अब बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए डिपेंड करता है कि हम बी टू ए जाएंगे या ए टू बी जाएंगे। अब यहां तक हमारे पास एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कि अगर एक प्लेन इस डायरेक्शन में है दूसरा प्लेन इस तरफ है, तो जो इन दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद जो बॉडी होगी वो कहां पर मूव करेगी, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ मूव करेगी। मीन्स उसकी जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की वो या तो अंदर की तरफ आएगी या बाहर की तरफ। अब परपेंडिकुलर, अब यहां पे दो चीज होगी, या तो वो होगा आउटवर्ड या फिर होगा इनवर्ड। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रूल आता है जिसका नाम है राइट हैंड स्क्रू रूल। अब राइट हैंड स्क्रू रूल है कि इफ ए राइट हैंडेड स्क्रू इज प्लेस्ड ओवर प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, जैसे ये ए और बी कंटेन्ड है जिसके अंदर एक प्लेन हमने कंसीडर कर लिया जिसके अंदर क्या है ए और बी वेक्टर है, और यहां पर हमने एक स्क्रू रख दिया, ये हो गया हमारे पास यहां पर स्क्रू इस प्लेन पर, और हम स्क्रू को टर्न करते फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ, जैसे ये कैप है ये ए की तरफ, अब हमें ए से बी की तरफ इसको टर्न करना है इस तरह से ए टू बी हम इसको टर्न करते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी इसके बाद जो ये वेक्टर आ जाएगा सी वेक्टर, इस सी वेक्टर की डायरेक्शन कौन देगा, इसका एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू। एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू का मतलब स्क्रू किस तरफ जाता है,
अब इसको समझने के लिए जैसे हम एक स्क्रू लेते हैं, मान लो उसको हम वुड के अंदर या कहीं पर होल के अंदर जब वो हम स्क्रू डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो स्क्रू या तो उसके अंदर फिट हो गया, वुड के अंदर अंदर चला गया, या फिर वो उससे बाहर की तरफ आ गया। तो वो डिपेंड करता है हम उसको कैसे रोटेट करवा रहे। तो यहां पर जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे, तो स्क्रू हमेशा खुलता है। अब यहां पर ये चीज रियल लाइफ में भी यूज होती है कि अगर हमें कोई भी स्क्रू खोलना है, घर के अंदर कोई भी स्क्रू है जो हम खोलना चाहते हैं, तो उस स्क्रू को हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही खोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज जब हम उसको रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से वो जो स्क्रू होगा वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा, मीन्स जो उसकी एडवांसमेंट होगी स्क्रू की वो यहां पर इस तरह से ऊपर की तरफ, जैसे जैसे ये जो रोटेट होगा वो ए से बी की तरफ रोटेट होगा, ये ऊपर की तरफ आता जाएगा। यही होता है, ये जो एक कैप रिप्रेजेंट कर रही है सी वेक्टर की डायरेक्शन, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, हमने इसको ए से बी की तरफ रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से जो स्क्रू की एडवांसमेंट होगी वो ऊपर की तरफ होगी, मतलब स्क्रू है वो खुल जाएगा। तो घर के अंदर लगा हुआ कोई भी जो स्क्रू है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस होता है कि जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर हम उसको ए टू बी लेकर जा रहे, वो जो स्क्रू है वो बाहर निकल जाएगा, ओपन हो जाएगा। और अगर हम उसको बी टू ए लेकर जा रहे, जैसे यहाँ पे ए टू बी गए तो सी की वेक्टर की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, इससे अपोजिट अगर हम उसको बी टू ए लेकर जा रहे मतलब क्लॉकवाइज, अब यहाँ पर जो स्क्रू है उसको हम इस तरह से रोटेट करें बी टू ए, बी टू ए, यहाँ पर हमने उसको बी टू ए रोटेट किया तो जो स्क्रू है वो टाइट होता चला जाएगा और वहां पे होल में जाके वो अब फिक्स हो गया है। तो यहाँ पर जो स्क्रू है वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम उसकी जो दो डायरेक्शन हमने निकाली थी कि परपेंडिकुलर तो होगा, जो थर्ड वेक्टर आ गया वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर वो ऊपर की तरफ होगा या इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो कैसे निकालेंगे डिपेंड करता है कि हम ए टू बी जा रहे हैं या फिर बी टू ए जा रहे हैं। तो ये था हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि साइन ही क्यों आया। तो यहाँ पर देखो, हमें तो बाहर की तरफ बॉडी को रोटेट करवाना, बाहर की तरफ रोटेट करवाना है, तो यहाँ पर जो बी साइन थीटा है वही वाला कॉम्पोनेंट आएगा ए, और ए के परपेंडिकुलर में क्या है बी साइन थीटा। अगर बॉडी इसी तरफ मूव करवानी, जैसे डॉट प्रोडक्ट के अंदर बॉडी सेम प्लेन के अंदर मूव करती है ना कि ऊपर की तरफ मूव करती है, तो यहाँ पे सेम प्लेन में मूव करती है तो ए डॉट बी आ गया। और अगर उसकी डायरेक्शन जैसे स्क्रू है, स्क्रू प्लेन से ऊपर की तरफ 3D में ऊपर की तरफ आ गया, तो यहाँ पर हम बी साइन थीटा कॉम्पोनेंट लेंगे। मीन्स जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो ये वेक्टर आएगा वो बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करवाएगा या नीचे की तरफ मूव करवाएगा, दो ही केस होंगे, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। डॉट प्रोडक्ट में या तो वो लेफ्ट में जाएगा या फिर वो राइट में जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर आ गया ए बी साइन थीटा, ये आ गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे अगर हम सिंपल ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए हम इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। अब जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था, जब हमने ए क्रॉस बी लिया, मींस अगर हम इस तरह से ये हमने लिया ए वेक्टर, ये लिया बी वेक्टर, अगर हम ए टू बी जा रहे हैं तो जो सी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन आई ऊपर की तरफ, और अगर हम बी टू ए गए तो उसकी डायरेक्शन कहां पर आई नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के।
इक्वल नहीं होगा। अगर लेना तो ये डायरेक्शन क्या, नीचे वाली डायरेक्शन ऊपर वाली से अपोजिट है, मींस ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव उल्टा किसका, बी क्रॉस ए का। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। सेकंड है, इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिया, इसको हम कैसे लिख सकते, ए क्रॉस बी क्रॉस प्लस ए क्रॉस सी क्रॉस, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अब हम देखते हैं सेम वेक्टर्स की, अगर दो वेक्टर सेम है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी। जैसे यहां पर हमने लिया i क्रॉस i, i और i की क्रॉस प्रोडक्ट, तो i का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। अब i एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1, 1, 1 की मल्टीप्लाई 1, और यहां पर साइन थीटा कितना होगा, i x एक्सिस के अलोंग वेक्टर होता है और दूसरा आई भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0, तो आई क्रॉस आई कितना आ गया 0, आई डॉट आई कितना आ था कल का लेक्चर 1। इसी तरह अगर हम जे क्रॉस जे निकाले वो भी कितना आएगा, जे का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना होगा, दोनों वाई एक्सिस के लोंगे 0, दोबारा से 0। तो इसके अंदर दो सेम वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होगी वो हमेशा किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल, के क्रॉस के, ये तीनों किसके इक्वल आ गए, 0 के इक्वल। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है आई क्रॉस जे किसके इक्वल आएगा, आई क्रॉस जे किसके इक्वल आएगा, तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं कि i क्रॉस j है वो किसके इक्वल आ गए इसको सॉल्व करने के बाद। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये साइकिल कंसीडर कर ले, यहां पे दिया है i j k, i से गए j की तरफ, j से गए k की तरफ और k से वापस i की तरफ, कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हमने मानना है पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे मानना है अभी देखेंगे। यहां पर हम कैसे जा रहे हैं, आई से नेगेटिव। अब यहां पर देखो हमें सोल्व करना है i क्रॉस j, तो कैसे लेंगे हम, i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ i x एक्सिस के लोंग, j y एक्सिस के लोंग, तो एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। अब मेन डायरेक्शन क्या रहेगी, i x एक्सिस के लोंग है और j y एक्सिस के लोंग, तो यहां पर हम जा रहे हैं i टू j क्या आएगा, k मींस ये हो गया x और ये हो गया y, इनको सोल्व करने के बाद जो एक वेक्टर आएगा वो होगा परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब उस वो ऊपर की तरफ होगा या डाउनवर्ड होगा, अगर हम राइट हैंड स्क्रू रूल नहीं अप्लाई करना चाहते तो इन साइकिल्स का यूज कर सकते, राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करने की बजाय डायरेक्ट ये साइकिल यूज करो। इसमें क्या हो रहा है, ये राइट हैंड स्क्रू रूल को ही थोड़ा सा सिंपल बना दिया, जो इमेजिन नहीं कर सकते स्क्रू वाला कॉन्सेप्ट, तो उनके लिए ये क्या है कि जब हम आई टू जे जा रहे हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो जो स्क्रू है वो ऊपर की तरफ आएगा, पॉजिटिव का मतलब है जो स्क्रू है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, जेड एक्सिस होती है, जेड पॉजिटिव और जेड के लोंग क्या होता है, के वेक्टर। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 कितना हो गया 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे ये के यूनिट वेक्टर के इक्वल आ गए। ये स्क्रू रूल ही है, बस स्क्रू रूल को इन्होंने बहुत ही सिंपल बना के लिख दिया है कि जब हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते, जब स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्क्रू ओपन हो जाएगा, स्क्रू को जब हमने एंटी क्लॉकवाइज ओपन रोटेट किया तो स्क्रू ओपन होगा, ओपन होकर स्क्रू कहां पर आएगा, होल से बाहर, बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इसकी बजाय अब हम यहां पर लेते हैं, जैसे इसमें हमने ले लिया आई क्रॉस जे,
यहाँ पर हम इसका उल्टा ले लेते हैं, यहाँ पे आई क्रॉस जे था ना, जे क्रॉस आई। अब यहाँ पे हमने ये जे ही मानना पड़ेगा और इसको हम आई ही मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमने ये डायरेक्शन फिक्स कर दिया। जैसे इसको हमने एक्स एक्सिस फिक्स कर दिया और इसको हमने वाई फिक्स कर दिया, ये हो गया जेड। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ये आई पुट कर दिया, वाई एक्सिस के अलोंग जे और जेड एक्सिस का के, इसलिए हम यहाँ पर भी जे ही मानेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ हमने वाई एक्सिस लिया है, तो इसलिए हम इसको जे ही पुट करेंगे। अब हम देखते हैं जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, जे क्रॉस आई। अब हम जे से आई की तरफ आ रहे, जे से आई की तरफ आएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहां पर देखो जे से आई, अब की बार मेरी डायरेक्शन ये है, मतलब जो हमने स्क्रू लिया है ये वाला स्क्रू, इसको हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से जे से हमने, जे से जैसे एक आपका ये ब्लैक पोर्शन है, ये वाला ब्लैक पोर्शन, इसको हमने जे से आई की तरफ रोटेट करा, वाई से एक्स की तरफ, जे टू आई हो गया। अब जे टू आई जैसे जैसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो स्क्रू क्या होता है, बंद होता है, बंद होगा तो मतलब अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ क्या है, नेगेटिव जेड एक्सिस है, तो मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। और यही चीज, अब अगर स्क्रू वाला चीज नहीं समझनी तो यहां से देख लो, स्क्रू का नहीं समझना, जे टू आई, जे यहां पर है, हम आ गए आई के पास, जे टू आई हम चल रहे हैं, जे टू आई अगर हम जाएंगे तो यहां पर क्या आ गया के, अब क्लॉकवाइज आ रहे हैं, क्लॉकवाइज के लिए जो वेक्टर यहां पर आ गया वो क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। अब मान लो यहां पर जैसे हम के क्रॉस जे करना चाहते, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे करेंगे तो उसके बाद क्या आता है, आई आई, लेकिन डायरेक्शन क्या, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव आएगा। अब यहां पर हम डायरेक्शन कैसे लेंगे, जैसे इसको हम करेंगे जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे से हम कहां पर गए, के पर, तो डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो आई आएगा और वो भी पॉजिटिव वाला आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलने से हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब एक पॉइंट और जो हम यहाँ पे भूल गए स्टार्टिंग में बताना, कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, ए बी साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर जो थीटा है वो ए और बी के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल कंसीडर करना है। स्मॉलेस्ट एंगल का मीनिंग क्या होगा, जैसे ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, तो इस टाइम पे ये भी एंगल बन रहा है और ये भी एंगल बन रहा है, तो हम कौन से वाला वेक्टर लेंगे, एंगल कौन से वाला लेंगे, जो स्मॉल होगा, तो ये थीटा ए और बी के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल है, थीटा इज स्मॉलेस्ट एंगल। अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लिया हमारे पास ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस k वेक्टर, और एक वेक्टर बी वेक्टर i माइनस j प्लस 2 के वेक्टर, तो यहां पर हमें ए क्रॉस बी करना है। ए क्रॉस बी करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की प्रोडक्ट 2i 3j प्लस के क्रॉस प्रोडक्ट i माइनस j प्लस 2 के। अब एक मेथड तो ये है कि सिंपल इन सब की प्रोडक्ट करो, सबसे पहले हम 2i की पूरे के साथ करेंगे, j की पूरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अब की बार, फिर k की पूरे के साथ, उसके बाद i की जब i के साथ करेंगे, i क्रॉस i कितना हो गया, जीरो हो गया, फिर i क्रॉस j कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, i क्रॉस k, इस तरह से सोल्व करें। या फिर इसका बिल्कुल सिंपल मेथड है, जब भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो इसके लिए हम मैथ्स यूज करते हैं। मैथ्स के अंदर हम ये वाली सिचुएशन पढ़ते हैं कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करते हैं तो सबसे पहले ऊपर लिख लो i j k, सिंपल लिखना, अगर दो वेक्टर दिए हैं तभी ऊपर लिखो i j k, चाहे यहाँ पे दो ही चीज दी हो i और j, ठीक है, और तीसरे यहाँ पर देखो अगर दो चीज दी ना, दोनों के अंदर ही सिर्फ दो दो हैं, 3j और इसके अंदर भी है i माइनस j, तब तो k लिखने की जरूरत है ही नहीं, बट अगर एक में तीन दे दी और एक में दो दे दी तब k लिख लो, ठीक है। अब हम ये वाला देखते हैं, पहले i का कंपोनेंट a में कितना है 2, j का कंपोनेंट 3 और k का कंपोनेंट 1, b का i के अंदर 1, j का माइनस 1 और k का कितना है 2 है, तो इस तरह से हमने लिख लिया। और जैसे इस केस में इसमें k नहीं है तो फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इस तरह से अगर दोनों सिर्फ
आई और जे में है, फिर ये वाला कंपोनेंट हट गया, ये देखो ये आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व कैसे करते, इसके लिए सबसे पहले लिख लो आई, जो आई वाली रो है इसको सोल्व करते। आई वाली रो का मतलब है ये आई की रो, ये भी छोड़ दो और कॉलम भी छोड़ दो। इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल होता है इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो आई के लिए सोल्व करें तो पहले लिख लो आई, ब्रैकेट लगाओ, आई की हॉरिजॉन्टल रो भी छोड़ो और वर्टिकल भी, कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6 और माइनस, पहले माइनस लगाओ फिर इन दोनों की प्रोडक्ट, 1 − 1 की प्रोडक्ट, −1 − पहले सही है तो +1, इस तरह से आ गया। अब आई के लिए तो हमने सॉल्व कर दिया, अब हम सॉल्व करेंगे जे के लिए। जे के लिए करेंगे तो जे वाला कॉलम और जे, ये रो तो हमेशा ही छुटती जाएगी। जे के लिए सॉल्व करें, इसको हम प्लस लेते, इसको माइनस, इसको प्लस, जे को नेगेटिव लेंगे हमेशा। हमेशा मतलब जब भी तुम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करोगे आई और के पॉजिटिव होंगे और जे नेगेटिव होगा, तो माइनस जे। अब यहां पर ये मत सोचना कि यहाँ पे आई जे और के प्लस के थे इसलिए मैंने प्लस लिया, आई जे के हमेशा प्लस ही रखने, यहां पर भी साइन इनका हमेशा प्लस होगा। तो जे को छोड़ दो, अब इस वाली रो को छोड़ दो, ये वाली रो इसको छोड़ दो, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 2 × 1 = 1 × 2 इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। 2 × 2 = 4 माइनस 1 × 1 = 1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 − 1। इसी तरह अब के लिए करो, के लिए करना है तो के वाला कॉलम छोड़ दो, प्लस का है के, अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 2 − 1 − 2 फिर माइनस साइन, 3 × 1 = 3 × 1 = 3 तो कितना आ गया 6 + 1 = 7 आई, और यहां पे कितना आ जाएगा −3 j और यहाँ पे कितना आ जाएगा −5 k। तो जब हम a क्रॉस b करेंगे तो हमारे पास जो नया वेक्टर जिसको हम c वेक्टर बोल दें तो वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करने का तरीका। अब हम इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर करते हैं, वही पहले ही इस तरह से एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लो, ऊपर आई जे के, सिंपल आई जे के। अब ए के कंपोनेंट ड्रॉ करो, आई के लिए कितना है −6, जे के लिए +9, के लिए −12, बी के लिए कितना है 2, जे के लिए −3, के लिए 4। आई पॉजिटिव होगा, जे नेगेटिव और के पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करो, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आई वाला रो और आई वाला इसको छोड़ दो, अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 9 × यहाँ पे हम लिखते हैं 9 × 4 36 माइनस, अब −12 की और −3 की कितना होगा माइनस और माइनस की प्रोडक्ट +36 माइनस, पहले बीच में हमेशा माइनस आएगा, मींस इनकी हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी होती है, और जो सेकंड वाले की क्रॉस प्रोडक्ट करते हो उससे पहले नेगेटिव सिंबल आता है, ठीक है। अब जे माइनस का होता है, जे कर दो। अब हमें क्या करना है, जे वाला कॉलम छोड़ना है, ये वाला कॉलम छोड़ दो, अब बच गया सिर्फ ये वाले, ये दो इनको सोल्व करना है, इन दो को कितना आएगा −6 × 4 = −24, बीच में माइनस, −12 × 2 = कितनी होगी −24, माइनस पहले से ये तो हो गया +24, अब आगे कितना आ गया के प्लस का, अब के वाला कॉलम छोड़ दो। ये सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूं लाइन, जरूरी नहीं है तुम लाइन लगाओ, इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। अब हमें पता है के लिए जब हम सॉल्व करते तो ये वाली छोड़ देंगे और ऊपर वाला आई जे के, अब इनको सॉल्व करो कितना आएगा −−+ 6 × 18 9 × 2 = −18, अब देखो कितना आ गया आई 0 जे 0 प्लस के 0 तो पूरा ही 0 आ गया। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया है 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल कैसे निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 साइन थीटा, ए बी को इस साइड लेकर जाओ 0 / ए बी कितना आ गया 0 ही आ गया।
साइन थीटा जीरो है तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, जीरो डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। मींस ए वेक्टर इस तरह से और बी वेक्टर इस तरह से हो सकता है, तब तो एंगल पैरेलल में हो गए जीरो। और अगर ए वेक्टर इस तरह से है और बी वेक्टर इस तरह से, तब थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो दोनों वेक्टर या तो वो पैरेलल है या फिर वो एंटी पैरेलल है। तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं।